मैनेजमेंट में ही, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ओके okay. एंड पॉइंट टू, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। यही सेकंड टॉपिक यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ओके, सो व्हाट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नाउ? व्हाट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? ओके, सो प्लीज लिख लो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इट डील्स विथ scientific tools, it deals with scientific tools and scientific, it deals with scientific tools and scientific procedure, it deals with scientific tools and scientific procedure to carry out the project activities, to carry out the project activities. Okay. It deals with scientific tools and scientific procedure to carry out the project activities. Project activities in most efficient manner. In most efficient manner. Efficient manner mein yani kaisi ke bahut less time yani लेस से लेस टाइम में मैं कंप्लीट करूंगा और लेस से लेस कॉस्ट में मैं कंप्लीट करूंगा और एक्सेलेंट क्वालिटी में मैं कंप्लीट करूंगा। क्वालिटी भी मैं उसकी जो क्वालिटी मुझे डिजायर होना है वो डिजायर क्वालिटी में मैं कंप्लीट करूंगा। दैट्स व्हाई एफिशिएंट इन मैनर। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन। ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट विल हैव, ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट विल हैव, लिख लो, which and every project will have common objective, common objective, common objective, apart from each and every project will have common objective apart from common objective, there are other goals. Apart from common objective, there are other goals. Apart from common objective, there are other goals. Okay. Next line. All these goals are known as project desirable. Okay, project desirable. Okay, project desirable. For example, Metro Rail. Transportation आ गया इसमें. इसका तो मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा, मेन ऑब्जेक्टिव है। ओके, सब ऑब्जेक्टिव तो एक एक्टिविटीज के सब ऑब्जेक्टिव बहुत सारे निकलेंगे कि टाइम मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन तो मेन है, उसका टाइम मैनेजमेंट, उसका बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है उसमें, फिर अंडुलेशंस है तो वो ट्रैक मैनेजमेंट, तो उस भी सब मैनेजमेंट, एक एक्टिविटीज के सब मैनेजमेंट भी ब्रांच मैनेजमेंट में निकलेंगे। मेन गोल
रहना जरूरी है. तो मेन गोल क्या है मेरा, मेन ऑब्जेक्टिव मेरा क्या है, ट्रांसपोर्टेशन. ओके, मेन ये क्या है मेरा, ट्रांसपोर्टेशन. डैम, द नेक्स्ट इट इज डैम. डैम, वाटर स्टोरेज. डैम का मेन ऑब्जेक्टिव वाटर स्टोरेज, दैट इज प्राइमरी गोल. प्राइमरी गोल. बट देखिए, प्राइमरी गोल आपका वाटर स्टोरेज है डैम, बट अदर सेकेंडरी गोल्स आर देयर. जैसे कि डैम के वाटर से मैं इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करूंगा, दीज आर ऑल्सो माई गोल्स. यानी इलेक्ट्रिसिटी भी मैं प्रोड्यूस करूंगा, मैं इरिगेशन के लिए वाटर दूंगा, स्टोरेज तो मेरा है ही, लेकिन मैं उसके साथ फिशरिंग करूंगा. तो मैं, मेरे सेकेंडरी गोल्स भी बहुत सारे हैं. तो देर आर अदर सेकेंडरी गोल्स ऑल्सो. ओके, तो आप ये भी लिख लो, अदर सेकेंडरी गोल्स ऑल्सो देर, बट प्राइमरी गोल मस्ट अचीव. सेकेंडरी गोल बाद में जितना अचीव होगा उतना मैं लूंगा, लेकिन प्राइमरी गोल आपका पहले अचीव होने को होना. फर्स्टली आपका प्राइमरी गोल अचीव होने को होना, देन आप सेकेंडरी गोल के लिए जा सकते हैं कि वो मेरा कितना डिजायरेबल अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा, इसके लिए आप जा सकते. ओके, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हैज थ्री फेजेस. Project management has three phases. First phase, project planning, project scheduling, and third it is project monitoring and controlling. First, project planning. Feasibility study, project planning में feasibility study, work breakdown structure and inverted
tree diagram. Type inverted tree diagram type. Okay. These are the first it is project planning में feasibility, जब जो भी feasibility आपके पास आपको दिखने वाली है कि कहाँ से कितना material मुझे कितना effectively cost में गिरेगा वो study. और मेरे जो भी मेरा purpose है goal है primary goal है वो अचीव हो रहा नहीं हो रहा वो भी. Work breakdown structure, work breakdown structure हो रहा है नहीं हो रहा है. Inverted tree diagram, इन्वर्टेड ट्री डायग्राम सबसे पहले अपने को बना के देखनी पड़ेगी. ये क्या है ये अपने को सामने पता चलेगा. ओके. प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग चार्ट, चार्ट्स रहेंगे कैसी करना है कैसी नहीं करना है. नेटवर्क डायग्राम रहेंगे कौन सा वर्क कैसे होने वाला है कब होने वाला है इसके लिए नेटवर्क डायग्राम रहेंगे. रिसोर्स एंड एलोकेशन रहेगा. रिसोर्स एलोकेशन एंड टेंडरिंग एंड कंट्रोल कॉन्ट्रैक्ट. Tendering and contract. 1 minute, guys. ओके. ओके गाइस. सो टेंडरिंग कंट्रोल. देन नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग कंट्रोल. Monitoring tool corrective measure control activity. Control activity. ओके. Network construction. Network construction. Next. अभी देखो ये तीन phases हो गए. पहले phase में planning, दूसरे phase में scheduling, तीसरे phase में
कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग के बराबर वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसके लिए मुझे नेटवर्क्स बनाने पड़ेंगे, मुझे देखना पड़ेगा कि मैं कितना बिफोर चल रहा या फिर कितना डिले चल रहा, ये सब कुछ मुझे देखना पड़ेगा, या फिर एक्यूरेट एट अ टाइम अप चल रहा। जब मैं डिले चलूंगा, अगर मैं डिले चल रहा तो मुझे कहीं तो भी टाइम मैनेज करना पड़ेगा। अगर मैं कुछ टाइम डिले चल रहा हूं तो मुझे पेनाल्टी भी बैठ सकती मेरे प्रोजेक्ट में। दैट्स व्हाई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मेजर प्रोजेक्ट्स, जो भी मेजर प्रोजेक्ट्स है वहां पे इंपॉर्टेंट है। ओके, कैन आई रेज दिस गाइस, ये पार्ट इरेज कर सकता ना? देखो नेटवर्क कंस्ट्रक्शन वहां पे नहीं बैठेगा, वो भी बड़ा है, ये समझ लो, ये जरूरी है नेटवर्क कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, दिस इज पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। नेटवर्क कंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग टूल, फर्स्ट इट इज चार्ट हॉरिजॉन्टल बार चार्ट माइलस्टोन चार्ट लिंकेड बार चार्ट नेटवर्क डायग्राम CPM पार्ट। देखो नेटवर्क डायग्राम में CPM और पार्ट है, और चार्ट्स में हॉरिजॉन्टल बार चार्ट है, माइलस्टोन चार्ट है एंड लिंक्ड चार्ट है। ये तीनों चार्ट्स आपको आपके जो बुकलेट है वो बुकलेट में पूरे अच्छे से देखे हैं, जो पूछते नहीं है, पूछते नहीं, गेट में पूछते नहीं, गेट आर्क्स नेटवर्क डायग्राम। हाँ, वंस गेट आर्क्स हॉरिजॉन्टल बार चार्ट, गेट में एक बार पूछा गया है हॉरिजॉन्टल बार चार्ट तो किस तरह है, क्या है, ये एक आपको पता रहने को ना, तो वंस आप गो थ्रू हो जाओ, इट इज वेरी इजी, इट इज वेरी इजी। ओके, कि ये चार्ट्स है। ओके, और ये आपको ये भी पता रह सकता है कि शेड्यूलिंग टूल्स मेरे क्या है, तो शेड्यूलिंग टूल्स पे मेरा जो भी टूल्स रहेंगे तो मेरे टूल्स में मेरे चार्ट और नेटवर्क डायग्राम ये दोनों आएंगे। जनरली वी फॉलो दिस फॉर अ बिग प्रोजेक्ट्स, फॉर अ स्मॉल प्रोजेक्ट्स वी फॉलो हॉरिजॉन्टल चार्ट्स, वी फॉलो हॉरिजॉन्टल चार्ट फॉर अ स्मॉल प्रोजेक्ट्स। ओके, थैंक्स टू लिखो आप All charts are, देखो गाइस, all charts are draw to time scale, all charts are draw to time scale, underline the time scale, okay, ये all charts are draw to underline ये पूछा जाता है, तो all charts are draw to time scale, टाइम स्केल, हेंस लेंथ ऑफ द चार्ट
is equal to the duration of project. Length of the chart is equal to the duration of project. Length of the chart is equals to duration of project. Length of the chart is equals to duration of project. जो भी length रहेंगी वो मेरा क्या रहेगा? It is my duration. It is my duration. Okay. ये चार्ट हो गया, ये चार्ट के लिए हो गया. नेटवर्क डायग्राम हैज नो टाइम स्केल. नेटवर्क डायग्राम हैज नो टाइम स्केल. लिख लो आप, लिख लो ये भी. ओके, नेटवर्क डायग्राम हैव नो टाइम स्केल. नेटवर्क डायग्राम हैव नो टाइम स्केल. यहाँ पे टाइम स्केल है, यहाँ पे टाइम स्केल नहीं है. ओके, नेटवर्क डायग्राम हैव नो टाइम स्केल. नो टाइम स्केल. Hence, length of network diagram do not, length of network diagram do not show time scale, do not show duration of the project, duration of the project. Class length. Charts are. Sir, एक बार repeat करो. हाँ, okay. Network diagram have no time scale. Network diagram have no time scale. Hence, length of diagram do not show duration of the project. Length of the diagram do not show length of the project. जैसे यहाँ पे बार चार्ट चार की जो भी लेंथ है वो लेंथ ऑफ द प्रोजेक्ट शो करती है, वैसे नेटवर्क डायग्राम की लेंथ शो नहीं करेंगे क्योंकि उसको टाइम स्केल नहीं है. दैट्स व्हाई. ओके, लास्ट पॉइंट. चार्ट्स आर लेस फ्लेक्सिबल कंपेयर टू द नेटवर्क डायग्राम. चार्ट्स आर लेस flexible to the network diagram. इसलिए हम network diagram ज्यादा use करते हैं. That is flexible. Okay. So please आप network diagram के यानी charts के लिए आप go through हो जाओ booklet से. booklet में पूरे के पूरे अच्छे से देखे हैं, यानी charts अच्छे से देखे हैं. Okay. What is CPM? CPM versus PERT. PERT. Okay. Suppose this is a project. Okay. Deterministic. Highly matured. Probabilistic. Less mature. Probabilistic, less mature. So, activity is well known. And it has fixed duration.
तो ये क्या होगा फिर, सी पी एम नेटवर्क। एक्टिविटी इज वेल नोन, इट हैज फिक्स ड्यूरेशन, हाईली मैच्योर। एग्जाम्पल, रेगुलर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, वर्ड के लिए क्या आएगा, लेस मैच्योर। एक्टिविटी इज न्यू, इज न्यू, अननोन, अननोन, एंड हैज अनसर्टन टाइम फेज। अनसर्टन टाइम फेज, एग्जाम्पल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, R&D is nothing but research and development project. Okay, research and development project. Okay, next. नेटवर्क डायग्राम तो समझ गए, CBM नेटवर्क, फिक्स ड्यूरेशन, क्वाड नेटवर्क, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनसर्टन टाइम, न्यू एक्टिविटी। ओके, न्यू एक्टिविटी इस तरह आप बोल सकते हैं। लेस मैच्योर, दैट इज हाईली मैच्योर, हाईली मैच्योर। ओके, 1 मिनट गाइस। दैट इज एक्टिविटी ओरिएंटेड, दैट इज इवेंट ओरिएंटेड। ये आप यहाँ पे भी लिख लो, सीपीएम इज एक्टिविटी ओरिएंटेड, एक्टिविटी ओरिएंटेड। वर्ड इज इवेंट ओरिएंटेड, ये मैं इवेंट क्या होता है, एक्टिविटी क्या होता है, ये अपन सामने देखेंगे। व्हाट इज नेटवर्क डायग्राम, नेटवर्क डायग्राम, नेटवर्क डायग्राम इज ए, देखो गाइस, नेटवर्क डायग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। नेटवर्क डायग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोजेक्ट, ऑफ ए प्रोजेक्ट इन विच अ प्रोजेक्ट एक्टिविटीज आर, इन विच ए प्रोजेक्ट एक्टिविटीज आर, प्रोजेक्ट एक्टिविटीज इन विच, इन विच प्रोजेक्ट एक्टिविटीज आर इनडिफाइनाइट बाय
means of some graphical symbols, some graphical symbols like arrow circle ये रहेंगे. प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम ओके. प्रोजेक्ट इज इक्वल्स टू नेटवर्क डायग्राम. सो एक्टिविटी रिप्रेजेंटेशन कैसे रहेगा? ओके एक्टिविटी रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, अभी एक्टिविटी रिप्रेजेंटेशन भी अपन देख लेते हैं. दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एक्टिविटी रिप्रेजेंटेशन. एक्टिविटी रिप्रेजेंटेशन कैन आई रेज दिस गाइस दिस पार्ट. इरेज करूं? यस सर. That is important, guys. Activity on arrow. That is A O A. Activity on arrow. Next it is activity on node. नोड यानी एक पॉइंट ए ओ एन ए ओ ए एंड ए ओ एन. इसका फुल फॉर्म भी कई कई बार पूछा गया है. फुल फॉर्म डायरेक्टली ए ओ ए एक्टिविटी ऑन एरो. एरो पे एक्टिविटी ओके. ए ओ एन नोड पे एक्टिविटी ओके. सो देखो अभी एग्जांपल. ये पहला नोड है, ये दूसरा नोड है. एक्टिविटी में कार पे लिखूंगा ए फाइव, जैसी कि ये अभी एक्टिविटी है. फाइव यानी उसका ड्यूरेशन है, मिनट हो सकता, सेकंड हो सकता, आवर हो सकता, डे हो सकता, कुछ भी हो सकता ओके. डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट विच टाइप ऑफ प्रोजेक्ट वी डन ओके. तो यहां पे स्टार्ट है, स्टार्ट एक्टिविटी ए. कौन सी एक्टिविटी है? ए एक्टिविटी है, कंप्लीट एक्टिविटी ए. ओके कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी ए. तो ये ए ओ ए है, एक्टिविटी ऑन एरो. ये आपका एरो है, इधर मैं दे रहा 1 to 2 जा रहा, दैट इज योर एरो. एरो यानी ऐसी बान, दैट इज एरो. 1 to 2 जाएगा, 1 to 2 जाएगा, दैट इज एरो ओके. देन नोड. अब अगर मैं पहले ही नोड में लिख लेता ए फाइव है, सो दैट इज नोड. ये नोड में हो गया ए फाइव. बाद में मेरा इधर जा रहा, देन मेरा इधर यानी ए फाइव खत्म हो जाएगा. ए फाइव खत्म हो जाने के बाद मैं पकड़ता कि बी 6 hours के लिए मुझे लग रहा था, या फिर 6 के लिए लग रहा था. तो ए फाइव यहाँ पे स्टार्ट, यहाँ पे खत्म, यहाँ से बी स्टार्ट ऐसी हो जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा? एक्टिविटी ऑन नोड हो जाएगा, दैट इज एक्टिविटी ऑन नोड ओके. नोड पे ही एक्टिविटी लिख ली, नोड पे ही एक्टिविटी लिख ली. एरो पे लिखा क्या? मैंने कुछ भी नहीं लिखा एरो पे. एरो पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा. मैंने कहाँ पे लिखा? नोड में लिखा, इसके अंदर में लिखा मैंने. अब यहाँ पे 1 or 2 था, मैंने नेमिंग दे दिए 1 or 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसी मेरा जा रहा. यहाँ पे मैंने दे दिया, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया? यहाँ पे मैंने एक सर्कल के अंदर लिखा, जो सर्कल मेरा क्या है? नोड है.
नोड यानी जस्ट अ पॉइंट जिसको अपन ज्वाइन ज्वाइन करते जाएंगे. ओके, स्ट्रक्चर के लिए मत आओ. नोड हैज अ नो रिएक्शंस स्ट्रक्चर्स. ओके, स्ट्रक्चर्स में मत आओ. आप यहाँ पे देखो, नोड यानी जस्ट अ पॉइंट, जस्ट अ पॉइंट जिसके थ्रू अपन सामने अपना नेटवर्क बनाएंगे, संकल बनाएंगे अपन अपना. संकल यानी अपन यानी बचपन में खेलते थे ना जुग जुग गाड़ी. अरे अरे तू मेरे को भिड़, मैं सामने वाले को भिड़ता और फिर जाते थे. आप बहुत छोटे होंगे तब खेले होंगे, आपको याद भी नहीं होगा या फिर नहीं खेले होंगे. मैं तो खेला था. ओके, तो दैट इज अब जो मुझे पीछे वाला मुझे पकड़ता था, मैं सामने वाले को पकड़ता था, तो मेरे हाथ दैट इज नोड, दैट इज नोड. ओके, सो वैसे ही यहाँ पे लेके जा रहा है. ओके, नोड, नोड टू नोड कनेक्शन. हैंड्स हैज अ नो, नो ड्यूरेशन. ओके, 1 minute गाइस. ओके ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट अभी आपने को देखना है. इसी में अगर ए ओ एन में मेरा है, सो ये 1 to 2 के लिए जा रहा, सो ये A5 है, देन 2 to 3 के लिए जाएगा यहाँ पे, देन 2 to 4 के लिए भी जाएगा यहाँ पे, देन इस तरह भी ये होगा. तो ये इस तरह आपका रहेगा. ये B3 लग रहा है, ये C4 लग रहा है, और D7 लग रहा है सपोज. तो यहाँ पे पाथ देखो, पाथ विच इज द क्रिटिकल पाथ. आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन था कि क्रिटिकल पाथ कौन सा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा नेटवर्क, यहाँ पे खत्म हो रहा. सो पाथ एंड ड्यूरेशन, पाथ एंड ड्यूरेशन, ये आप समझ लो कि ये आपका क्या हो गया, एक्टिविटी के लिए हो गया. एक्टिविटी ऑन नोड, दैट इज एक्टिविटी ऑन एरो. अब ये एरो का अपन ने एक एग्जाम्पल देख रहे हैं. ओके, एरो का एग्जाम्पल देख रहे हैं. क्या एग्जाम्पल देख रहे हैं? एग्जाम्पल ए ओ ए का देख रहे हैं, एक एग्जाम्पल देख रहे हैं. सो व्हाट इज पाथ, पाथ एंड ड्यूरेशन. पाथ एंड ड्यूरेशन एओ एन का नहीं देख रहे, एओ ए का ही देख रहे. ओके प्लीज, 1, 2, 3, 4 ड्यूरेशन कितना लग रहा, 5 घंटे + 3 घंटे + 7 घंटे, 5, 3, 7, 7 × 3 = 15, ठीक है. देन 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, A to C, 5 + 4, that is 9. So 1, 2, 3, 4, it is critical path. 1, 2, 4, 1, 2, 4. ये क्रिटिकल पाथ नहीं है, जस्ट अ पाथ. यहाँ पे लेस टाइम मुझे लग रहा है. क्रिटिकल पाथ यानी जहां पे मुझे ज्यादा टाइम लग रहा है, दिस पाथ इट इज नथिंग बट अ माय क्रिटिकल पाथ. ओके, सो ये मेरा एंड इवेंट है, क्योंकि मेरे एरो ऐसी ऐसी स्टार्ट हो रहे हैं. यहाँ से मैं डायरेक्ट यहाँ पे भी जा सकता हूँ, और यहाँ से मैं इस तरह भी आ सकता. तो ये मेरा कौन सा पाथ हो गया फिर? दिस इज माय क्रिटिकल पाथ, क्रिटिकल पाथ विच इज क्रिटिकल पाथ जिसका ड्यूरेशन ज्यादा है, जिसका क्या है, ड्यूरेशन ज्यादा है. ओके, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम इट इज इक्वल टू क्रिटिकल पाथ. प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम इट इज इक्वल टू व्हाट? क्रिटिकल पाथ गाइस, समझ रहा है ना ये? AOA, AON, उसके बाद AON के बाद अपन AOA का हम एग्जांपल देख रहे हैं. समझ रहा है क्या? यस सर. हाँ, यहाँ पे 7 की इतनी सी लाइन दिखाई, 5 की इतनी सी लाइन दिखाई. तो लाइंस आर नॉट अ टाइम स्केल, बार हैज अ टाइम स्केल.
ओके, तो आप कितना भी दिखा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो लाइंस हैज नॉट अ टाइम स्केल, बार के लिए टाइम स्केल है, ओके, नेटवर्क डायग्राम के लिए टाइम स्केल नहीं है। तो आप कितने भी दिखा सकते हैं, आप वहां पे 20 भी दिखा सकते हैं, तो 20 की लाइन बड़ी रहेंगी, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। वही, इसीलिए फिजिबल है नेटवर्क डायग्राम, इसीलिए हम नेटवर्क डायग्राम अच्छे से फटाफट बना सकते हैं। प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, इट इज इक्वल टू क्रिटिकल पाथ। It is equals to 15 A B D का, A B D, ओके, या फिर आप बोल सकते हैं इट इज 1 2 3 4, ओके, A O N का देखते हैं अभी। नेक्स्ट एग्जांपल इट इज A O And activity on node. Okay, activity on node. A5, B3, and D7. And C4. This is activity. This is connector. Activity connector. What is the durations? What are the durations? And a path. Duration A B D 15 A C 9 Node. यहां पे क्लोज हो रही डायग्राम, यहां पे क्लोज नहीं हो रही डायग्राम, प्लीज नोट दिस थिंग। AO A में पूरा क्लोज हो रहा डायग्राम, सेम डायग्राम, AO N में नोड में क्लोज नहीं हो रहा डायग्राम, प्लीज, ओके, सो नोट। AON diagram is easy to construct. AON diagram is easy to construct. It's easy to construct. It's easy to construct. Node guys. AON diagram and activity on node. Activity on node diagram is easy to construct. Easy to construct. However, it is not applicable for PERT. It is not applicable for PERT problem. PERT problem है ना? What is PERT guys? What is the full form of PERT? Program Evaluation Review Technique. वहां पे मैं use नहीं कर सकता because of there is a variation in durations. Not a fixed durations. Here is a fixed durations. Fixed durations. Variations in durations. मैं यहां से गया 15 hours, यहां से गया 9 hours. Variation in duration. C पे पहुंचने के लिए. Variation duration. PERT. R&D. CPM. Actual project जो भी है, जो भी चल रहा है, उसके लिए मैं CPM use करूँ. We can use for CPM. This AON. But we cannot use for PERT. R&D के लिए मैं ये use नहीं कर सकता. Are you getting my point, guys? Samjha kya?
ठीक है, सामने लिख लो, AOA एक्टिविटी ऑन एरो, AOA एक्टिविटी ऑन एरो, डायग्राम इज डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट, इज डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट. हाउएवर, डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट, हाउएवर, हाउएवर इट इज अप्लीकेबल फॉर बोथ सीपीएम एंड पर्ट, इट इज अप्लीकेबल फॉर बोथ सीपीएम एंड पर्ट, बोथ सीपीएम एंड पर्ट. ओके गाइस, सीपीएम एंड पर्ट. ओके गाइस, सो हम इसके बाद का नेक्स्ट लेक्चर्स में लेते हैं, इसके बाद का और अलग अलग है. वन मिनट, आपको कोई डाउट होगा